हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल के बारे में, जो कि फाइनली रिवील हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बहुत ही बड़े मैचेस के बारे में, जो कि लीक हो चुके हैं फास्टलेन 2019 के लिए, और ये हैं मैचेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। साथ ही साथ यूनिवर्सल चैंपियन कब तक हमें WWE के अंदर दिखाई नहीं देने वाले हैं, कब तक WWE उन्हें कर रही है एडवर्टाइज। तो आपको बता दूं, रिसेंटली रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर हमें WWE का अपकमिंग पेपर व्यू, जो कि होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर, वो मिस करते हुए तो नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ जो लास्ट पेपर व्यू होने वाला है WrestleMania 35 से पहले, वो भी हमें ब्रॉक लेसनर मिस करते हुए नजर आने वाले हैं, और हमें फास्टलेन 2019 में भी ब्रॉक लेसनर का नामो निशान दिखाई नहीं देने वाला। और ये हमेशा होता ही रहता है WWE के अंदर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइम चैंपियन है। जब भी वो आते हैं एक मैच में लड़ते हैं और अपनी टाइटल रिटेन करके फिर से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सीधा हमें WrestleMania 35 में ब्रॉक लेसनर आते हुए नजर आ सकते हैं। बट हो सकता है WWE के पास बाद में कोई प्लान हो जब वो ऐड कर दे ब्रॉक लेसनर को फास्टलेन 2019 में, बट इलेमिनेशन चैंबर के पेपर व्यू में आना मुझे लगता नहीं ब्रॉक लेसनर को इसमें चांस होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सीधा ब्रॉक लेसनर WrestleMania 35 में कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस को मारने धाड़ने आए फास्टलेन के बड़े पेपर व्यू में, इलेमिनेशन चैंबर के बड़े पेपर व्यू में, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है कि उनका एक भी हमें मैच दिखाई देने वाला है। लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं आज की हमारी फाइनल मेन अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है फास्टलेन 2019 के बारे में। साथ ही साथ और भी बड़े मैचेस के बारे में, जो कि हो चुके हैं कंफर्म इस बड़े पेपर व्यू के लिए, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली वीडियोस में बताया था कि इस तरह से जो मैचेस एडवर्टाइज हो रहे थे वो थे एजी स्टाइल वर्सेस डैनियल ब्रायन, सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशली एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के बीच। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंटली वो जो वेबसाइट है, वो जो कह सकता हूँ एरिना है, वो चीज़ों को अपडेट कर रहा है। उनके मैं कह सकता हूँ जो मैचेज हैं अभी फिलहाल स्टोरी लाइन के साथ जरूर मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ जो WWE चैंपियन का मैच हो गया है वो होने वाला सामोआ जो वर्सेज एजे स्टार्स वर्सेज डैनियल ब्रायन के बीच। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की बात कर लें वो होने वाला है फिन बैलर वर्सेज बॉबी लैशली के बीच, और लास्ट मैच जो है वो एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि ये होने वाला है बेकी लिंच वर्सेज शार्लेट फ्लेयर के बीच। अब मुझे लगता है ये सभी तीनों ही पॉसिबल मैचेस हमें दिखाई दे सकते हैं फास्टलेन के बड़े पेपर व्यू में, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्टोरी लाइन चल रही है, किसी न किसी तरह सामोआ जो और एजी स्टार्स एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के बाद भी हमें WWE टाइटल पिक्चर में आते हुए नजर आने वाले हैं। और फिन बैलर की बात कर लें, उनका तो फ्यूड चल ही रहा है बॉबी लैशली के साथ, और हमने देखा किस तरह से स्मैकडाउन के एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर ने कन्फ्रंट किया था बेकी लिंच को। तो ये फिलहाल के भी अपडेट्स हैं फास्टलेन 2019 के लिए, बाकी हो सकता है आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें और धमाकेदार हो जाएं। तो बस ये एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, या फिर वीडियो कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक के बिना कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस मैच के बारे में, जो कि हो चुके हैं कन्फर्म फास्टलेन 2019 के लिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।